Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. Well, as you know, मई का महीना अभी शुरू है, ऑलमोस्ट एक वीक खत्म हो चुका है. कुछ कुछ जगहों पे जो प्रिलिमिनरी शॉवर्स होते हैं, बारिश की पहली बूंदें गिरना शुरू हो चुकी है. ऑफकोर्स मानसून अभी बहुत दूर है, लेकिन मानसून के सपने तो अभी आना शुरू हो चुका है. तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपके इन्हीं सपनों में थोड़ा सा रंग भरने की, थोड़ी उनको दिशा देने की कोशिश करूँगा. Let's get started. Whenever we talk about monsoons, दो ऐसी चीजें हैं जो हर एक travel enthusiast के मन में आती ही है. एक होती है waterfall और दूसरी होती है forts. Especially if you are staying in Mumbai और Pune, आपके आजू बाजू में इतने waterfalls हैं, इतने forts हैं कि आपको हर साल के monsoon के हर weekend को भी आप एक एक नई place explore करने जाओगे ना, तो फिर भी आपको 10 साल कम पड़ेंगे सारी places explore करने में. लेकिन इस पूरे इतने बड़े फैले हुए मेन्यू कार्ड में कुछ ऐसे places हैं जो बहुत कम लोग taste करते हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है, जो बहुत कम लोग एक्सप्लोर करते हैं. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फाइव ऑफ सच प्लेसेस जो मुंबई से इतने नज़दीक है कि आप एक दिन में वहाँ पे जाके वापस आ सकते हो, लेकिन फिर भी दोज प्लेसेस आर स्टिल लेस एक्सप्लोर्ड. जहाँ पे आपको उतनी क्राउड नहीं मिलेगी जितनी आपको फेमस प्लेसेस पे मिलेगी, जहाँ पे आप इजीली जाके टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोग्राफी कर सकते हो, वीडियोग्राफी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो और नेचर से कनेक्ट हो सकते हो. दिस लिस्ट ऑफ फाइव प्लेसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्ट्स एंड वाटरफॉल्स, लेकिन इन पाँचों प्लेसेस में जो चीज़ कॉमन है वो है ट्रैक. अगर ये वाटरफॉल भी है तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको ट्रैक करना पड़ता है. एंड ऑब्वियसली इफ इट्स अ फोर्ट देन इट इन्वॉल्व्स अ ट्रैक, बिकॉज अपने सह्याद्रीज में मेरे ख्याल से इक्का दुक्का ही ऐसा फोर्ट होगा जहाँ जाने के लिए ट्रैक नहीं करना पड़ता. सो दिस लिस्ट ऑफ फाइव लेस एक्सप्लोर्ड ब्यूटिफुल प्लेसेस अराउंड मुंबई फॉर मानसून ट्रैक्स इंक्लूड्स थ्री फोर्ट्स, वन वाटरफॉल एंड वन प्लेस जो फोर्ट भी नहीं है और वाटरफॉल भी नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. If I'm talking about a list of beautiful places to visit, तो उसकी शुरुआत तो मैं अपने hometown से ही करूँगा. तो the first place in this list is Sondai Fort, जो करजत से hardly 7 kilometers पे है. It's a small fortress, actually sort of a watchtower जो ancient times में use होता था, क्योंकि इसके आजू बाजू में इतने सारे forts हैं और ancient trade route जो मुंबई से पुणे को connect करता था, मतलब पूरे महाराष्ट्र को connect करता था, तो ये सारे places पे नज़र रखने के लिए उसको use किया जाता था. As I said, this fort is hardly 10 kilometers away from करजत. जो बेस विलेज है वहाँ से ऊपर तक पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा डेढ़ से दो घंटे लगेंगे आपको, इवन इफ़ यू ट्रैक एकदम आराम से. और ऊपर पहुंचने के बाद सामने मोरबे डैम का, ईर्षालगढ़ का, करनाला फोर्ट का, माथेरान रेंज का जो व्यू मिलता है, इट इज़ स्पेल बाइंडिंग. यू कैन ईजिली कम्प्लीट दिस ट्रैक विद इन वन डे. सुबह आके शाम को अंधेरा होने से पहले आप वापस मुंबई में या पुणे में अपने घर पहुँच सकते हो. सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट दिस फोर्ट एंड इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ वर्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैकिंग टू सोंडाई फोर्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हमने 2019 में ये पांचों प्लेसेस के वीडियोस बनाए थे, पांचों वीडियो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है एंड इवन इन द इन्फॉर्मेशन कार्ड्स ओवर हियर यू कैन चेक आउट द वीडियोस आफ्टर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो. सेकंड फोर्ट इन द लिस्ट, यस, सोनगिरी, येट अनदर प्लेस इन करजत. इनफैक्ट ये तो करजत से हार्डली 5 किलोमीटर पे है, करजत से और भी नज़दीक, मतलब मुंबई और पुणे से एकदम सेंट्रल पॉइंट, एक दिन में आराम से आके आप वापस जा सकते हो. एंड वेन यू रीच द टॉप, वहाँ से आपको पलसदरी डैम, पूरा करजत सिटी का एरिया और खंडाला घाट का रेलवे ट्रैक, इसका जो व्यू मिलता है. एंड ऑन द अदर साइड देयर इज राजमाची फोर्ट, ढाक बैरी, पूरा पैनोरामिक 360 डिग्री व्यू आपको इस फोर्ट के ऊपर से मिलता है. दिस इज अगेन अनदर वॉच टावर मेंट फॉर कीपिंग एन आई ऑन द ट्रेड रूट्स एंड अदर फोर्ट्स अराउंड द एरिया. ज़्यादा ऊपर कोई स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं है, लेकिन ट्रैक बहुत सुंदर है मॉनसून में, स्पेशली जब वाटरफॉल्स वगैरह चालू होते हैं, स्ट्रीम्स चालू होते हैं, उस टाइम पे ये ट्रैक करने में बहुत मज़ा आता है. ट्रैकिंग टाइम फॉर दिस वन इज़ अराउंड 2 or 2.5 hours मैक्स. इसमें दो रूट्स है, एक है जो मोहिली, छोटा सा एक विलेज है करजत के पास, वहाँ से स्टार्ट होता है, और दूसरा जो है जिसको आप पलसदरी से स्टार्ट करके रेलवे ट्रैक में से चल के जा सकते हो. एंड देयर इज़ अ रेलवे टनल जहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ से आपको लेफ्ट में डिटूर लेना है फॉर द सोनगिरी फोर्ट. तो दोनों रूट से आप कर सकते हो. द रेलवे ट्रैक वाला जो रूट है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है कम्पेयर टू द मोहिली वाला रूट, बट येस, बोथ रूट्स आर डूएबल, बोथ रूट्स आर इजीली डूएबल इन वन सिंगल डे एंड दिस इज अनदर मस्ट विजिट प्लेस फॉर दिस मॉनसून्स. मूविंग ऑन फ्रॉम करजत टूवर्ड्स नासिक साइड, अगर आप मॉनसून में कभी इगतपुरी गए हो तो आपको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इगतपुरी का जो एरिया है
उस एरिया में इतने वाटरफॉल्स आपको देखने मिलते हैं, इतना ब्यूटीफुल क्लाउड्स का नज़ारा वहाँ पे होता है, फॉगी एटमॉस्फेयर होता है कि मॉनसून्स के लिए इगतपुरी इज़ अ हॉट डेस्टिनेशन। अगर आप इगतपुरी तक गए हो तो इगतपुरी से हार्डली 10 किलोमीटर आगे एक फोर्ट है विच इज़ नोन एज कवनाई। नाउ दिस कवनाई फोर्ट इज़ अनदर प्लेस जो इतने सारे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन से घिरा हुआ है ना कि उस पर किसी की नज़र ही नहीं जाती। नेशनल हाईवे नंबर 3 जो मुंबई आगरा हाईवे है, उस हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर है, इगतपुरी से 10 किलोमीटर पे है। लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पे गए थे ना तो पूरे फोर्ट पे सिर्फ हम ही 5 लोग थे, हमारे अलावा कोई भी नहीं था वहाँ पे। व्हेन आई से लेस एक्सप्लोर्ड, दिस इज द काइंड ऑफ लेस एक्सप्लोर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। नाउ फॉर दिस फोर्ट जो बेस विलेज है वहाँ से पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में आपको हार्डली 1 घंटा लगता है, और ऊपर पहुँचने के बाद कुछ फोर्टिफिकेशन वॉल्स, कुछ बैशियंस और उसके अलावा एक मंदिर और बहुत बड़ा लेक है टॉप पे, और उस लेक में इतना ठंडा, इतना क्लीन एंड क्लियर पानी होता है, इट इज़ लाइक अ साइट टू बिहोल्ड। वहाँ पे बैठ के आराम से उस नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने में जो मज़ा आता है ना वो अलग ही लेवल का है। और ऊपर पहुँचने के बाद आपको अपर तानसा और भी कोई लेक्स है, मतलब जो डैम के बैक वाटर्स है, उसका बहुत सुंदर व्यू मिलता है। ऑन द अदर साइड ऑफ दोज डैम्स यू कैन सी हरियर फोर्ट, देन योर रामशेज, त्र्यंबकेश्वर, वो पूरा रेंज, और दूसरी तरफ कलसुबाई रतनगढ़ वाला रेंज, इट्स लाइक अमेजिंग। ऊपर पहुँचने के बाद अगर आपको क्लियर वेदर मिलता है ना तो जो व्यू मिलेगा आपको आप बस देखते रह जाओगे। लेकिन उसे देखने के लिए या तो आपको कवनाई का फोर्ट ट्रैक प्लान करना पड़ेगा या फिर वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देखो तो आपको एटलीस्ट अंदाजा आ जाएगा कि किस तरह की ब्यूटी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। दीज वर द 3 फोर्ट्स दैट यू शुड डेफिनेटली ट्राई आउट दिस मॉनसून, और उसके बाद विल मूव ऑन टू अ वाटरफॉल ट्रैक। अब ये जो वाटरफॉल है इसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने इस वाटरफॉल को दूर से देखा भी होगा, लेकिन इसके नज़दीक पहुंचना एक टोटली अलग एक्सपीरियंस है। येस आई एम टॉकिंग अबाउट कातलधार वाटरफॉल जो राजमाची के रूट पे है। अगर आप राजमाची फोर्ट पे गए हो या फिर राजमाची के बेस विलेज उदयवाड़ी तक भी गए हो, जो ऑफ रोडिंग का एकदम फेमस रूट है, तो वहाँ से सामने जो सबसे बड़ा वाटरफॉल दिखता है वो है कातलधार वाटरफॉल। कातलधार पहुंचने के लिए रिवर्स ट्रैक करना पड़ता है, स्टार्टिंग पॉइंट से आपको एक्चुअली नीचे उतर के जाना है वाटरफॉल तक, और वाटरफॉल एक्सप्लोर करने के बाद, एंजॉय करने के बाद वापसी में आपको ऊपर चढ़ के आना है। इट्स हार्डली 1 आवर ट्रैक, जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से वाटरफॉल तक पहुँचने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है। लेकिन आई वुड रियली रिकमेंड कि जहाँ पे सब लोग पहुँचते हैं, जहाँ पे सबसे बड़ा फॉल है, वहाँ पे तो आप जाओ ही, वहाँ ना जाने के लिए तो मैं बोल ही नहीं सकता, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। लेकिन वहाँ से थोड़ा सा पहले एक लेफ्ट में छोटी सी पगडंडी है जो आपको इस वाटरफॉल के कंप्लीट बेस पे लेके जाती है, एंड दैट पर्टिकुलर स्पॉट जहाँ से आपको पूरा वाटरफॉल दिखता है 3-4 स्टेप्स में गिरता हुआ, दैट इज़ अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी। मतलब वहाँ पे जाने के बाद जो कातलधार का ग्रैंडियर दिखता है ना वो अलग ही है। और जो मेन वाटरफॉल का स्पॉट है जहाँ पे सबसे बड़ा फॉल है, वहाँ पे बाकी सब लोग जाते हैं, वहाँ पे कुछ ट्रैकिंग ग्रुप्स वगैरह भी हमें मिले थे, लेकिन जो ये नीचे वाला स्पॉट मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे सिर्फ मैं, ऐश्वर्या और प्रकाश, बस हम 3 लोग, कोई नहीं था हमारे अलावा वहाँ पे। सो दैट इज़ द प्लेस वेयर यू शुड डेफिनेटली विजिट। आधे घंटे का ट्रैक बढ़ जाता है, थोड़ा स्टीप डिसेंड है, वापस आने में स्टीप ऊपर चढ़ना पड़ता है, बट इट्स नॉट टू मच, आधे घंटे में आप ऊपर आ जाते हो, बट येस यू शुड नॉट मिस दैट प्लेस। और इन दोनों स्पॉट्स पर से कातलधार वाटरफॉल कैसा दिखता है, कैसा फील होता है, ये आपको अगर थोड़ी सी उसकी झलक चाहिए तो आप, एज आई सेड, वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके वीडियो देख सकते हो कातलधार वाटरफॉल ट्रैक का, और उस वीडियो को देख के आप डेफिनेटली उसके बारे में सपने देखने लगोगे और आप इस मॉनसून में उस ट्रैक को प्लान करोगे, ये तो मेरी गारंटी है। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने कहा कि फोर्ट भी नहीं है और वाटरफॉल भी नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट गणपतिगढ़ केव्स। ये तो नाम ही ऐसा है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता, सुना भी नहीं होता कि गणपतिगढ़ केव्स है किधर। सो गणपतिगढ़ एक ब्यूटिफुली कार्व्ड ग्रुप ऑफ केव्स है विच इज़ नियर मुरबाड़। मुरबाड़ से 25 किलोमीटर्स, धसई नाम का एक छोटा सा गांव है, उस गांव से अंदर आपको जाना है। मुरबाड़ से 25 किलोमीटर्स मतलब आपको मुंबई से वो ज़्यादा से ज़्यादा 85 to 90 किलोमीटर्स, मैक्स टू मैक्स 100 किलोमीटर्स पड़ेगा। एक दिन में आप जाके ईजिली वापस आ सकते हो। द ट्रैक इज़ हार्डली 1.5 आवर्स, बेस विलेज से शुरू होने के बाद 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे में आप केव्स तक पहुँच जाते हो।
द केव्स आर सो ब्यूटिफुल. एक पूरा ऐसा सी शेप का पूरा हॉर्सशू जैसा क्लिफ बना हुआ है और उस क्लिफ में ऐसे पैरेलल पूरे केव्स कार्व किए हुए हैं. इन केव्स में आप ओवरनाइट स्टे भी कर सकते हो, सो इट्स ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर ओवरनाइट ट्रेक. लेकिन अगर आपको एक दिन में भी जाके आना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस, द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेक्स दैट आई हैव एवर बीन टू. एंड स्पेशली आप ऐसे टाइम पे अगर जाते हो जब ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर उससे पहले दिन आपके ट्रेक से एक दिन पहले अच्छी खासी बारिश हुई है, तो आपको इस केव्स के सामने से गिरता हुआ एक बहुत बड़ा वाटरफॉल मिलेगा. सो दीज आर द फाइव बेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल येट अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस राइट अराउंड मुंबई जो आप एक दिन में विजिट कर सकते हो. मतलब ऑफकोर्स एक दिन में एक प्लेस, एक दिन में पांच नहीं, तो आप सुबह जाके शाम को वापस घर आ सकते हो. ऐसे ये पांच प्लेसेस मैंने आपको इस ब्लॉग में बताए. आई होप यू हैव लाइक दिस इन्फॉर्मेशन. और इस मॉनसून में आप ये पांचों प्लेसेस एक्सप्लोर करोगे. ऑफकोर्स अगर ये कोविड का सिचुएशन खत्म हुआ और लॉकडाउन उठ गया और आपको ट्रैवल करने का मौका मिला, तो अगर नहीं मिला तो एज आई सेड मॉनसून तो आ रहा है, आप नहीं जा सकते लेकिन ड्रीम्स तो देख ही सकते हो. तो सपने में थोड़ा सा रंग भरने के लिए और सपने को दिशा देने के लिए आपको ये पांच वीडियो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, पांचों वीडियोस देखो और उन प्लेसेस पे जाने के सपने देखो. और अगर कोविड ख़त्म हुआ, लेट्स होप कि ख़त्म होगा, तो आपको ये प्लेसेस रियल में फर्स्ट हैंड जाके अपनी आँखों से एक्सपीरियंस करने मिलेंगे. अगर आप जाते हो वहाँ पे फोटोज़ लेते हो, वीडियोज़ लेते हो, तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट ज़रूर करना, और जब भी पोस्ट करोगे उसमें काउंटिंग किलोमीटर्स को टैग ज़रूर करना. बिसाइड्स दैट, अगर आपको व्लॉग्स देखने के अलावा ट्रैवल आर्टिकल्स रीड करना, पढ़ना पसंद है, तो आप मराठी में और इंग्लिश में हमारे आर्टिकल्स जो है ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के, वो सारे आर्टिकल्स हमारी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो. वेबसाइट लिंक इज राइट हियर इन द इन्फॉर्मेशन कार्ड. अभी जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है तब तक ऐसे ही वर्चुअली हम ट्रैवल करते रहेंगे या फिर ट्रैवल के बारे में इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और अलग अलग ब्यूटीफुल प्लेसेस के सपने देखते रहेंगे. आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नई कहानी के साथ. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी. कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.